एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को संडे में स्वागत है बिल्कुल हम 26 ऑफ मई को वीकली करंट अफेयर लेकर आ चुके हैं फटाफट कनेक्ट हो जाइए लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सके शुरू करते हैं आज के हम सेशन को मई मंथ का फोर्थ संडे है 26 ऑफ मई चलिए डियर अगर हम बात करें यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी लेकिन दृढ़ संकल्प और पूर्णता आपको रखनी होगी यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी मेक ऑफ फोर्थ संडे ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे चलिए शुरू करते हैं अपना यह सफर जो कि नाइनटींथ ऑफ मे से ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे तक जो भी न्यूज रही है उनको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे मेक ऑफ फोर्थ संडे रिवाइज करेंगे देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे राइट हो रहे हैं हर क्वेश्चन को आपको देखिए अटेम्प्ट करना है एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को एक सही क्वेश्चन पर अपने आपको प्लस वन मार्क देना है और रॉन्ग पर आपको जीरो मार्क्स देना है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मार्क्स काउंट करते चलिएगा मेन कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर बताइएगा आपने कितने मार्क्स गेन किए और हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे बहुत सारी चीजें तो चलिए शुरू करते हैं सफर ये सफर शुरू करते हैं चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है डीपीआईआईटी रिपोर्ट्स ओवर ट्रांजिशंस ऑन ओएनडीसी एनडीसी प्लेटफॉर्म इन अप्रैल ट्वेंटी फोर डीपीआईआईटी ने अप्रैल 2024 में ओएनडीसी एन प्लेटफॉर्म पर लेन की रिपोर्ट दी है कितने मिलियन की ट्वेल्व मिलियन टेन मिलियन सेवन मिलियन या फिर फाइव मिलियन फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट आंसर करें पी रिपोर्ट्स ओवर ट्रांजेक्शन ऑन ओ एन प्लेटफॉर्म इन अप्रैल ट्वेंटी फोर ट्वेल्व मिलियन टेन मिलियन सेवन मिलियन फाइव मिलियन फटाफट बताएं आंसर करे पास करो भाई शुरू करो ये फर्स्ट क्वेश्चन निकलकर आ गया आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका सेवन मिलियन ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज इंडिया रिस्क यूएस सैंक्शंस ओवर चाहबार पोर्ट डील विद भारत को चाहबार बंदरगाह सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम है ईरान चाइना रशिया अफगानिस्तान बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा होगा जो आंसर नहीं कर पाए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ईरान ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन वार्षिक रणनीति वार्ता में किन देशों ने एफ के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है विच कंट्रीज री कमिटमेंट टू एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग कहीं ना कहीं आपके साथ डेली सेशन में हमने डिस्कस की थी यह न्यूज बताएं वार्षिक रणनीति वार्ता में किन देशों ने एफटीए के प्रति प्रतिबद्धता प्रति 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 को दोहराया है इंडिया एंड चाइना इंडिया एंड फ्रांस इंडिया एंड स्पेन या फिर इंडिया एंड ब्रिटेन बताएं फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आप सभी का एफ टी दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है चलते हैं आंसर आंसर की तरफ राइट right है आपका इंडिया एंड ब्रिटेन ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इंडिया एंड ब्रिटेन नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड एनअली ऑन सिक्स में सेवन में एटीन में या फिर में चलेंगे आंसर की तरफ टाइम स्टार्ट है आप सभी का अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड एनअली ऑन तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है एटीन ऑफ में ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा एटीन ऑफ में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑल्सो नोन एज एच वैक्सीन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जिसे एच आई वी वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है नाइनटीन ऑफ में को एटीनथ ऑफ में को सेवनटीन ऑफ में या फिर सिक्सटीन में फटाफट फड़ से आंसर करेंगे आप सभी करो फटाफट करो आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था यह डे भी आपके साथ डिस्कस किया गया था डियो चले आंसर की तरफ चलिए चलते हैं राइट आंसर निकल कर आ रहा है एटीन ऑफ में ट्वेंटी एटीन में राइट हो जाएगा ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा ठीक है मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने क्वार्टर फोर के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि और एफ वाई टू फोर के लिए लगभग सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट सेवन परसेंट रहने का अनुमान लगाया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताएं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट क्वार्टर फोर एंड अराउंड सिक्स पॉइंट नाइन टू सेवन परसेंट फॉर एफ वाई टू फोर सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट सिक्स पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट फोर करे फटाफट आंसर करे टाइम स्टार्ट है आप सभी का करे फटाफट बताएं चले चल राइट right आंसर निकल कर आ रहा है सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट नेक्स्ट इज ताइवान हथियार बिक्री पर किस देश ने अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है विच कंट्री सैंक्शन यूएस डिफेंस फॉर्म्स ओवर ताइवान आर्म सेल्स जापान, इंडिया रशिया चाइना ताइवान हथियार बिक्री पर किस देश ने अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है विच कंट्री सैंक्शन यूएस डिफेंस फॉर्म्स ओवर ताइवान आर्म सेल्स करो करो फटाफट फड़ करो आंसर पास करो टाइम स्टार्ट है आप सभी का चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट right आंसर है चाइना ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है कोलंबिया वेनेजुएला अर्जेंटीना कोस्टारिका विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर्स कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है टाइम स्टार्ट है आपका आंसर करेंगे बताएंगे राइट right आंसर है वेनेजुएला। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने यूएस इंटरनेशनल डीएफसी से ऋण सुरक्षित किया फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस सिक्योर्स लोन फ्रॉम यूएस इंटरनेशनल डीएफसी फाइव मिलियन डॉलर फिफ्टीन मिलियन डॉलर ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर थर्टी फाइव मिलियन डॉलर फटाफट आंसर करो टाइम स्टार्ट है आप सभी का फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इंटरनेशनल डीएफसी से कितना ऋण सुरक्षित किया है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर ठीक है चले चल नेक्स्ट इज विच डेयरी टू स्पॉन्सर फॉर स्कॉटलैंड फॉर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड किस डेयरी को प्रायोजित करेगा मदर डेयरी आनंदा डेरी बनास डेयरी या फिर नंदिनी डेयरी यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था न्यूज भी डिस्कस हुई थी बताएं फटाफट फड़ बताएं क्या आंसर होने वाला है चले तो राइट इज नंदिनी डेयरी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नंदिनी डेयरी नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का पहला सिक्स जी डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया वर्ल्ड फर्स्ट सिक्स जी डिवाइस लॉन्च इन विच कंट्री जापान फ्रांस साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट नाउ फटाफट -फड़ बताएं चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है जापान ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 किस दिन मनाया गया वर्ल्ड बी डे इट्स सेलिब्रेटेड ऑन विच डे वर्ल्ड बी डे टू इट्स ट्वेंटी फोर इट सेलिब्रेटेड ऑन विच डे चलेंगे आंसर की तरफ बताएं राइट आंसर क्या होने वाला टाइम स्टार्ट है आपका तो राइट right इज ट्वेंटी में ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा ट्वेंटी चले चलो नेक्स्ट इज नाइनटीन ट्वेंटी 24 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी जी का निधन हो गया है भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम रायसी हैज डाइड ऑन नाइनटीन मेड ऑरा ट्वेंटी ईरान इराक सीरिया सऊदी अरेबिया फटाफट फट बताओ टाइम स्टार्ट है आपका चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है ईरान ऑप्शन आपका राइट right हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को 2024 25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ऑप्शन है आपके नकुल आनंद नितिन जपी या फिर संजीव पुरी है या फिर संजीव मेहता है फटाफट बताएंगे हु इज हु द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीसी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द टर्म ड्राइन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला टाइम स्टार्ट है आप सभी का ओके okay. तो चलिए राइट आंसर क्या होने वाला है तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है आपका संजीव पुरी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा संजीव पुरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू एन एस मिशन में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास किसने रचा है हु मेक्स हिस्ट्री एज अ फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट इन ब्लू ऑरिजिन एन एस ट्वेंटी फाइव मिशन ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं शिरीशा बंदला दीपक पांडे पांड्या या फिर गोपी ठोटकुरा या फिर ओहिको हॉसीडे बताए फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट इन ब्लू ऑरिजन एन एस मिशन चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है फटाफट -फड़ बताएं क्या आंसर होने वाला है फटाफट -फड़ से बताएं। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका गोपी ठोटकुरा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रीमेंट फॉर वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन है आपके यूएनडीपी डब्लू एच ओ टाटा ग्रुप वर्ल्ड बैंक बताए फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आपका भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए राइट आंसर निकल कर आ रहा है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन बताओ भाई फटाफट करो फटाफट करो सेशन को लाइक कर दो फटाफट से अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो एटीन मेंस्ट में चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है आपका ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ में ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है भाई हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी डे वेन इज द नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर बताएं टाइम स्टार्ट है आपका आंसर करें भाई नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर चले चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे नेक्स्ट इज विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष हर वर्ष मना, कब मनाया जाता है वेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे ट्वेंटी में नाइनटीन में एटींथ में बताए वर्ड रिफ्यूजी डे चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका ट्वेंटी ऑफ़ में ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा चलो नेक्स्ट इज डीलर फाइनेंसिंग विकल्पों को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की है विथ कंपनी पार्टनर्स विद बजाज फाइनेंस टू तो एनहेंस डीलर फाइनेंसिंग ऑप्शन टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड होंडई या फिर आइसो मोटर्स आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका फटाफट फड़ से आंसर करें भाई डील ऑफ फाइनेंसिंग विकल्पों को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की है चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है टाटा मोटर्स ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा टाटा मोटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन भारत डब्ल्यूफ e. यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में किस स्थान पर पहुंच गया है यह इंडेक्स एंड रैंकिंग आपके साथ डिस्कस हुई थी बिल्कुल इंडिया राइजेस टू पोजिशन इन डब्ल्यूफ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ट्वेंटी चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है ट्वेंटी सॉरी थर्टी नाइन्थ कौन से नंबर पे पहुंचा है थर्टी नाइन्थ पे अच्छा इससे पहले ये जो रिपोर्ट आती है डियर हर दो साल में आती है 2021 में इंडिया किस प्लेस पे था फिफ्टी फोर्थ रैंक थी ऑटोराइन 23 की जो रैंक आई है फाइनली इसमें इंडिया किस पर पहुंचा है 39th प्लेस पर पहुंचा है ठीक है चलो अरतरा 24 सेलिब्रेट इंडियन कल्चरल डायवर्सिटी इन अरतरा 24 में भारतीय संस्कृति विविधता का जश्न मनाता है कौन 몰디व्स तुर्की सऊदी अरेबिया दुबई बताएं फटाफट टाइम स्टार्ट है आंसर करें फटाफट से आंसर करें हमें इंतजार है आपके आंसर का और इसके बाद हम चलेंगे आंसर की तरफ और आपको इंतजार होगा हमारे आंसर का चले आंसर की तरफ राइट आंसर है दुबई ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ठीक है एरेट्रा ट्वेंटी फोर सेलिब्रेट इंडियन कल्चरल डायवर्सिटी इन दुबई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एस्ट्राजेनेका का सिंगापुर में निवेश उन्नत कैंसर विरोधी दवाओं का उत्पादन करने के लिए जिन्हें एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स के रूप में जाना जाता है ठीक है एस्ट्राजेनिका का सिंगापुर में निवेश इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर टू प्रोड्यूस एडवांस्ड कैंसर फाइटिंग ड्रग नोन एज एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स बताएं कितने बिलियन का निवेश किया है भाई एस्ट्राजेनिका का सिंगापुर में 0.7 बिलियन डॉलर 1.0 बिलियन डॉलर 1.2 बिलियन डॉलर 1.5 बिलियन डॉलर टाइम स्टार्ट है बताएं आंसर करें फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है 1.5 बिलियन डॉलर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन है आपके डेर्क वैन डी पुट जॉन या फिर विमल कपूर या फिर अनलजीत सिंह चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा फटाफट फड़ से बताएं चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका जॉन स्लेवन ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलॉन मस्क ने दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच में सुधार के लिए स्टार लिंक की शुरुआत की है कहां पे इंडोनेशिया थाईलैंड फिलिपइंस इंडिया बताएं टाइम स्टार्ट है आपका एलोन मस्क इंट्रोड्यूस स्टार लिंक इन टू इंप्रूव इंटरनेट असेस्ट इन रिमोट एरियाज चले आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो यार इसी के साथ आपके ये 25 क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं ना अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाले नेक्स्ट इज ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन आ गया इंडिया ए मिशन के लिए कैबिनेट ने कैबिनेट की मंजूरी भारत के एआई पारिस्थितिकी परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कैबिनेट अप्रूवल ओवर कितना अमाउंट आएगा फॉर द इंडिया एआई मिशन मार्क अ पाए स्टेप टुवर्ड्स वर्ड बोलस्ट्रिंग इंडिया इकोसिस्टम फटाफट बताएं। टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो डियर अमाउंट जो निकल कर आएगा वो आएगा दस हजार तीन सौ करोड़ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दस हजार तीन सौ करोड़ ऑप्शन बी नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ में ट्वेंटी थर्ड में ट्वेंटी सेकंड में या फिर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ में बताएं आंसर करें फटाफट टाइम स्टार्ट है आपका चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका ट्वेंटी सेकेंड ऑफ में ऑप्शन सी आपका राइट हो गया नेक्स्ट इज हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने देश का दर्जा प्रदान किया है किस यूरोपीय देश ने फलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है ऑप्शन है आपके जर्मनी ग्रीस इटली नॉर्वे पुर्तगाल स्पेन नॉर्वे पुर्तगाल एंड फ्रांस या फिर नॉर्वे आयलैंड एंड स्पेन आयरलैंड एंड स्पेन बताए चलेंगे आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका नॉर्वे आयरलैंड एंड स्पेन ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नॉर्वे आयरलैंड एंड स्पेन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है भाई हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर शोध रिपोर्ट जारी की है प्रस्तुत की है विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली है रिसर्च रिपोर्ट ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट इन नॉर्थ इंडिया बताएं फटाफट आंसर करें आईटी दिल्ली आईटी जोधपुर आईटी मुंबई आईटी वाराणसी फटाफट बताएं चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है आईआईटी जोधपुर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है भाई द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मैरखोर ट्वेंटी में ट्वेंटी में ट्वेंटी में ट्वेंटी में आंसर करें फटाफट टाइम स्टार्ट है आपका चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका ट्वेंटी फोर्थ ऑफ में ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड एनवली ऑनवि कछुआ दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है भाई कब मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे को ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी सेकेंड या फिर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे टाइम स्टार्ट है आंसर करें फटाफट फड़ से वर्ल्ड टर्टल डे तो टर्टल डे आपका सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे को ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट प्रेजेंटेड द फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल टू द एम्बेसडो ऑफ विच कंट्री इंडिया पुर्तगाल पाकिस्तान या फिर पराग्वे चलेंगे आंसर की तरफ टाइम स्टार्ट है आपका आंसर करें फटाफट फास्ट संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी पदक प्रदान किया है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है पराग्वे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है सेंट्रल जनरल टू लैम वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वियतनाम कैन्थ थाईलैंड मंगोलिया टाइम स्टार्ट है आपका आंसर करें भाई फटाफट से जनरल तू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है वियतनाम केन्या, थाईलैंड मंगोलिया चले आंसर की तरफ बताएं, फटाफट फड़ बताएं। राइट आंसर निकलकर आएगा आपका वियतनाम ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है सोनी कुमारी रात्रे या फिर असलत सिन्हा या फिर अर्णिमा चौधरी फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आपका हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कौन का माउंट एवरेस्ट रिसेंटली राइट आंसर इज ज्योति रात्रि ऑप्शन भी राइट right हो जाएगा भारत का बाजार पूंजीकरण कहां तक पहुंचा है इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन रीचेज माइलस्टोन क्या माइलस्टोन इसने क्रिएट किया है इव ट्रिलियन डॉलर टेन ट्रिलियन डॉलर फिफ्टीन ट्रिलियन डॉलर ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर बताएं फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बताएं भाई बताएं फटाफट बताएं फास्ट चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है फाइव ट्रिलियन डॉलर फाइव ट्रिलियन डॉलर ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज़ कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के निन्यानवे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है विच कंट्री हैज़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स नाइन्टी नाइन्थ इटली स्पेन जर्मनी या फिर फ्रांस बताएं टाइम स्टार्ट है आपका विच कंट्री हैज हैजॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स नाइनटी नाइन्थ में राइट आंसर है आपका स्पेन ऑप्शन बी आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया है आशीष कुमार हैं गुरप्रीत सिंह हैं ऋषभ गांधी हैं या फिर अरुण पाटिल हैं हु अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है ऋषभ गांधी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया तो टू अचीव द प्रेस्टीजियस जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कोलेट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या थिरुअनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बताएं फटाफट टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आंसर करें आप सभी बताए जीरो वेस्ट टू लैंड फिल जीरो वेस्ट टू लैंड फिल. राइट right आंसर निकल कर आ रहा है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा थिरुअवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे ऊंची वेदशाला का उद्घाटन विश्वविद्यालय द्वारा चिली में किया गया वर्ल्ड हाइएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनोग्रेशन इन चिली इनग्रेटेड इन चिली बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉगकॉन्ग संघाई मॉस्को बताएं फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का राइट आंसर इज टोक्यो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने विदेश कार्यालय परामर्श के सोलह दौर में किसके लिए किससे मुलाकात की है भाई हु डिड फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा मीट फॉर द सिक्सटीन राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बताएं फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट -फड़ से बताएं क्या आंसर होने वाला है चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर है ऑप्शन बी यूके परमानेंट अंडर सेक्रेटरी सर फिलिप ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा डियर डिटेल में आपके साथ न्यूज हमने डिस्कस की थी डेली सेशन में ध्यान होगा आपको है ना फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विनय क्वात्रा जी हैं विदेश परा, कार्यालय परामर्श के सोलवें दौर में किससे मुलाकात की इन्होंने यूके के परमानेंट अंडर सेक्रेटरी सी फिलिप बार्टन के साथ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई हु हैज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पता होना चाहिए डियर इब्राहिम राइसी जी की अगर हम बात करें तो आकस्मिक दुर्घटना में निधन हुआ है ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इब्राहिम राइसी वो तो साहब ही है ऑप्शन ए पहला ही लिमिनेट हो गया नेक्स्ट ऑप्शन बी है आपका एज अली खमीनेई मोहम्मद मुखबर या फिर हसन रोहानी चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर मोहम्मद मकबर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है भाई ऑप्शन आपके दिए हुए हैं फटाफट -फ़ड़ बताना है आपको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान टेसी इंग लाई चिंग तेउ बी खिम या फिर मा य चले आंसर की तरफ फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है राइट right आंसर निकल कर आ रहा है लाइ चिंग ते ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज ते के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट अलॉन्ग साइड लाइचिंग ते बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ठीक है उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है लाई के साथ राइट आंसर इज बी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पंद्रह स्थापना दिवस समारोह में सभा को किसने संबोधित किया है भाई हु एड्रेस द द गैदरिंग एट फाउंडेशन डे इवेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्शन है जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमैनी चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई रवनीत कौर चलेंगे आंसर की तरफ टाइम स्टार्ट है आंसर करना शुरू करें फटाफट से राइट right आंसर निकल कर आ रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमैनी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंट रमैनी बांग्लादेश में तीन दिवसीय भारत बांग्ला संगीत समारोह का अवसर क्या है वर्ल्ड इज द ओकेजन फॉर द थ्री डे लॉन्ग इंडो बांग्ला म्यूजिक फेस्टिवल इन शेरपुर बांग्लादेश बताओ फटाफट आंसर करो भाई टाइम स्टार्ट है आपका टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी टू फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाकिर लोलन शाह हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है टू फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फकीर लोलन शाह नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा चरण कहां आयोजित किया जा रहा है सेकेंड स्टेज ऑफ द आर्चरी वर्ल्ड कप कपोर बींग हेल्ड चाइना के संघाई में तुर्की के अंटालिया में में, में कोरिया के में, या फिर मैक्सिको के प्लेक्सला में बताएंगे आंसर फटाफट आंसर करें तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा चरण तो राइट आंसर है आपका कोरिया के एंशियॉन में ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस ओलंपिक में एथलीटों का जश्न मनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है इज द नेम ऑफ द कैंपेन दॉन्च बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू सेलिब्रेट एथलीट्स एट द पेरिस ओलंपिक ऑप्शन है आपके मूव विद ओलंपियंस सेलिब्रेट पेरिस लेट्स मूव इंडिया ओलंपिक मोमेंट इंडिया फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आप सभी का तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका लेट्स मूव इंडिया ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के नामांकन के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है ओके okay, यहां पर ऑप्शन पहले से आपको दिख रहा idea, तो है संजय मूर्ति ठीक है तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ओके okay, ये क्वेश्चन के आंसर्स यहीं पे मेंशन है चलिए कोई नहीं देख लेते हैं. है ना संजय मूर्ति ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए वट इज द थीम फॉर वर्ड बी डेड ट्वेंटी फोर विश्व मधुमक्खी दिवस दो हजार चौबीस का विषय क्या है आंसर शो हो रहा है कोई नहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं बी एंगेज विद यूथ ठीक है ओके ये स्किप करना मैं हटा हटाना भूल गया हूं वही एड हो गया कोई नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ए आई आई के महानिदेशक कौन है तो ऑप्शन बी आपका राइट है तनुजा नेशारी ऑप्शन बी आपका राइट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है तो ऑप्शन सी ही राइट है आपका योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो ये 51 क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए डियर है ना बिल्कुल तो जितने भी मार्क्स आपने गेन किए लास्ट जो क्वेश्चन थे इनमें आपको 26 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ देखते हैं स्टैटिक जीके पार्ट में क्या क्वेश्चन आज रहने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल निकल कर आ रहा है जैसे आप सभी बोल रहे थे कुछ लोग बोल रहे थे कि यूएस के सर क्वेश्चन होंगे किस कंट्री के होंगे कंट्री नहीं डियर जो न्यूज में रह रहा है किसी ना किसी वजह से इसी वजह से ये पूछे गए जा रहे हैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यूएस के स्टैटिक जीके पर हम जा रहे हैं न्यूज में रह रहा है करंट में रहा है इस वजह से न्यूज में रहा है तो बताएं विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द सनसाइन स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को द सन साइन स्टेट के नाम से जाना जाता है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बताए द सन साइन स्टेट के नाम से जाना जाता है टेक्सास फ्लोरिडा कैलिफोर्निया जॉर्जिया फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलिए राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका फ्लोरिडा ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा फ्लोरिडा नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को द पीच स्टेट के नाम से जाना जाता है फ्लोरिडा टेक्सास जॉर्जिया अल्बामा चले गए आंसर की तरफ विच स्टेट यूनाइटेड स्टेट इज नोन एज द पीच स्टेट राइट इज जॉर्जिया ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घुमरू शहर के नाम से जाना जाता है एटा बलिया चंदौली या फिर मिर्जापुर फटाफट फड़ बताएं चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका एटा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई बस्ती है वाराणसी बलिया सिद्धार्थ नगर टाइम स्टार्ट विच इस फेमस है आंसर करेंगे फॉर बिंदी प्रोडक्शन राइट आंसर इज बलिया ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को अलोहा राज्य के नाम से जाना जाता है अलोहा राज्य अलास्का फ्लोरिडा कैलिफोर्निया या फिर हवाई बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को अलोहा राज्य के नाम से जाना जाता है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका हवाई ऑप्शन डी आपका राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को रत्न राज्य के नाम से जाना जाता है विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द जेम स्टेट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है आपका इधाउ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद चित्रकूट कौशाम्बी सहारनपुर चलेंगे आंसर की तरफ बताएं फटाफट फड़ से बताएं क्या आंसर होने वाला है तो यहां पर आपका राइट आंसर निकल कर आएगा गाजियाबाद ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द ऑरेंज सिटी अमरोहा सहारनपुर फतेहपुर या फिर मिर्जापुर बताएं फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आपका ऑरेंज सिटी तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है सहारनपुर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो डियर इसी के साथ ही हमने 59 क्वेश्चन टोटल हुए 51 क्वेश्चन आपके अदर एंड एट क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के पार्ट पे रहे टोटल नंबर ऑफ 59 क्वेश्चन हुए मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स आपने यहां पर गेन किए हैं ठीक है चलो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपने फ्लैशबैक पार्ट की तरफ और देखते हैं आज के फ्लैशबैक पार्ट में क्या न्यूज हम पूरी वीक को एक बार रिकॉल करेंगे तो चलिए देखते हैं शुरू करते हैं फ्लैश संडे फ्लैशबैक संडे में अगर हम बात करें तो भारत यू के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता क्या हुई संपन्न हुई और यह वार्ता कहां पर हुई थी न्यू न्यूडेली में फाइनली एल्ड की गई थी जापान एंड नागालैंड इनग्रेट कोहिमा पीस मेमोरियल एंडोपाक को इनोग्रेट किया गया, गया। नागालैंड के कोहिमा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में पांच लाख डॉलर का योगदान दिया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एडवाइस की इंडियन स्टूडेंट्स को किर्गिस्तान के बिस्केक में जो फाइनली वहां पर हालात सही नहीं थे तो घर से ना निकलने की हिदायत दी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नई दिल्ली में तंजानिया में लोक निर्माण अधिकारियों के लिए परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या किया पूरा किया आर लक्ष्मीकण्ठ राव को आरबीआई के कार्यकारी आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या किया गया अपॉइंट किया गया नियुक्त किया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अगले तीन वर्षो में अपने ऑटोमेटिव व्यवसाय में छब्बीस हजार करोड़ रुपए के निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था भारत में ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन एटीन ऑफ मे को सेलिब्रेट किया गया विश्व एड्स वैक्सीन डे जिसे एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है प्रतिवर्ष 18 अठारह मई को मनाया जाता है ईरान के सुप्रीम लीडर अप्रूव मोहम्मद मुखबर को एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया ताइवान के सत्तारूढ़ डीपीपी लाई चिंग नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ताइवान में ताइवान की राजधानी ताइपे दुनिया का पहला सिक्स जी डिवाइस जापान में लॉन्च हुआ ंदनी डेयरी टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए क्वालिफाई स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने यूएस इंटरनेशनल डीएफसी से 25 मिलियन डॉलर के ऋण को सुरक्षित कर लिया है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस चलते हैं फ्लैशबैक संडे चल रहे हैं आप सभी को पता है नेक्स्ट डेज आ जाए संजय मूर्ति ने शिक्षकों 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए पोर्टल क्या किया है लॉन्च किया है ठीक है नेक्स्ट न्यूज बांग्लादेश में संत लालन साहब फकीर की 250वीं जयंती मनाई गई ए आई ए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया थर्टी डे का काउंटडाउन शुरू किया गया भारत के अटोर्नी जनरल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पंद्रहवें स्थापना दिवस समारोह में सभा को क्या किया संबोधित किया इक्कीस मई को पूरे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है नेशनल एंटी टेररिज्म डे ट्वेंटी ऑफ मे को मनाया जाता है ट्वेंटी ऑफ मे को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाते हैं ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे इज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डायवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन गिव्स फाइनल अप्रूवल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम को अंतिम मंजूरी दी तीरंदाजी विश्व कप 2024 का दूसरा चरण आज कोरिया के एंचियोन में शुरू हुआ होगा बैडमिंटन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी की जोड़ी ने बीडब्ल्यू रैंकिंग में विश्व नंबर एक स्थान हासिल किया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देश को शुभकामनाएं है दी हैं आतंकवाद के मुकाबले पर भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की सोलहवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेहरान पहुंचे ईरान की राजधानी तेहरान शोक सभा में शामिल होने सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एकेडमी की बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का आह्वान किया भारत और ब्रिटेन ने वार्षिक रणनीति वार्ता में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रति प्रतिबद्धता प्रति दोहराई है इम थर्टी नाइन पोजिशन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आपके साथ ये इंडेक्स एंड रैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स डिस्कस हुआ था रैंक रही है इंडिया की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है दूरसंचार विभाग ने लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों की पहचान नकली के रूप में की है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ट्वेंटी ऑफ मई को मनाया गया जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सभी सरकारी स्कूलों में बैगलेस डे दो हजार चौबीस मनाया गया आरबीआई ने सरकार को अधिशेष के रूप में टू पॉइंट वन वन लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी भारतीय नौसेना के जहाजों ने दक्षिण चीन सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला का दौरा पूरा किया है मोनू घनघस घनघस ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में पैरिस ओलंपिक में स्थान हासिल किया यानी क्वालिफाई किया है इन्होंने आईओसी ने लोगों को पेरिस ओलंपिक में एथलीट का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करने के लिए लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया लेट्स मूव इंडिया कैंपेन केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में चार दिवसीय समागम कला उत्सव का उद्घाटन किया डीडी किसान 26 मई को एआई एंकर क्रश और भूमि लॉन्च करेगा 2024 में अब तक दो लाख मीट्रिक टन टू सिक्स टू लैख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई बीएसएफ ने अपना इक्कीसवा अलंकरण समारोह मनाया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नितिन अग्रवाल जी एज अ डायरेक्टर जनरल बी साइक्लोन स्टॉम रेमल इन बे ऑफ बंगाल हिट वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एज अ सीवियर साइक्लोन स्टॉम ऑन संडे नाम ये ओमान ने दिया था टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा चिली की विश्व की सबसे ऊंची वेदशाला का उद्घाटन किया गया टोक्यो में नेक्स्ट ऑबचिरी से आपकी न्यूज है पीएम मोदी एक्सप्रेस कॉन्डोलेंस ऑन डेथ ऑफ सोशल वर्कर्स नमाम नबाम अतुम नबाम अतुम जी का नाम ध्यान रखना है ऑबचिरी से फाइनली ये न्यूज थी तो ये था फ्लैशबैक संडे आप सभी ने बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय किया होगा और एंजॉय किया है तो फटाफट बड़ा सेशन को लाइक करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके चलते हैं वीकली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आज का वीकली क्वेश्चन क्या रहने वाला है वीकली क्वेश्चन पर चले तो वीकली क्वेश्चन आप सभी को पता है डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका क्लर्क के एग्जाम को छोड़ के हम किसी भी एग्जाम की बात करें बैंकिंग में तो वहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव जरूर और जरूर होता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरह से निकल कर आते हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है तो जो क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपने लैपटॉप पे कनेक्ट होके अपने सिस्टम पे कनेक्ट होके आपको टाइप करना है ईमानदारी के साथ तो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आइडिया तो आज का क्वेश्चन निकलकर आ रहा है डिफाइन फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हाउड

करना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है बिल्कुल हम इसके और लास्ट वीक का भी मैंने आंसर अभी आपके अटेम्प्ट नहीं किए थे मतलब वो मैंने आपको नहीं दिखाए थे तो वो भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट वीक का और इस वीक का भी ठीक है तो इसका आंसर जरूर करिएगा मेन कमेंट बॉक्स में अपने सिस्टम या अपने लैपटॉप पे कनेक्ट होके ठीक है चलिए पीडीएफ कैसे मिल सकती है पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो आयुष अग्नोत्री सर्च टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे या फिर एड ई थिंक टैंक की भी आप टाइप करोगे तो फाइनली आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा वहां भी मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं यहां पे अगर हम बात करें यार आ जाए तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे एक नया पेज ओपन होगा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा इसके आगे लिंक लगा होगा लिंक पर जैसे ही टच करेंगे नया पेज ओपन होगा नए पेज पे जाएंगे थोड़ा डेट मिल जाएगी स्क्रॉल करेंगे टाइटल मिल जाएगा टाइटल पे जैसे ही टच करेंगे पीडीएफ बैक एंड पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो ठीक है डियर तो ये था हमारा आज का वीकली सेशन आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा अगर इंजॉय किया है तो लाइक करो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और संडे में बिल्कुल आ चुके हैं डियर संडे आपको एक मिलता है तो संडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे वीक में आपने क्या चीजें सीखी एनालिसिस करने को मिलता है ऑब्जर्व करने को मिलता है नए वीक को प्लान करिए पुराने को एनालाइज करिए ऑब्जर्व करिए ठीक है अगर अभी तक आपने महद्राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं कल फिर हम मॉर्निंग सेवन है हम एक नए वीक के साथ आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरी वन गुड बाय टेक केयर जय हिंद सब्सक्राइब न and press the bell icon. Never miss an update.